हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो लास्ट टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लास्ट टॉपिक है, सुनते से बड़ी सारी मुस्कान आ जाती है चेहरों पे कि चलो आखिरकार आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए। अब देखिए, आखिरी टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, एकदम दमदार टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो हम फेडरलिज्म को पढ़ रहे हैं तो फेडरलिज्म में हमने क्या देखा था कि एक फेडरल सिस्टम जो होता है उसमें टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट तो हमें समझ में आया क्या है कि हाँ सेंट्रल स्टेट यही कहानी है, लेकिन मोर देन टू टीयर में तीसरा टीयर कहां से आया? तो जो मोर देन टू टीयर की हम बात कर रहे हैं ना, तो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब अच्छे समझ, आप देखो यहाँ पे थ्री टीयर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, टू व्हीलर से हम ऑटो बन गए तीन टायर वाला। खैर, टायर टीयर अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, जस्ट अ जोक। यहाँ पे अगर हम समझे ना चीजों को, तो देखो क्या है कि बड़े देश जो होते हैं ना, तो बड़े देश में तो फेडरलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। अब छोटे से देश हैं, छलांग भर के इधर से उधर कूद जाओगे, तो उन देशों में क्या है, उन देशों में जरूरत नहीं होती उतनी ज्यादा फेडरलिज्म की। लेकिन फिर भी जनरलाइज नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि श्रीलंका हो गया, बेल्जियम हो गया, तो छोटे छोटे देशों में भी जरूरत पड़ जाती है, ऐसे जनरलाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बड़े देशों की बात करोगे ना स्पेसिफिकली, तो बड़े देश में तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? फेडरलिज्म, ठीक है। तो बड़े देशों में तो फेडरलिज्म होना ही चाहिए। अब क्या है, इंडिया है तो बहुत बड़े देशों में आता है इंडिया, ठीक है, बड़े लोग हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब जब और बड़े कंट्रीज होते हैं तो वहां पे आप दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक नेशनल गवर्नमेंट, देखो परफेक्ट सर्कल बन गया, ठीक है। तो क्या है? एक नेशनल गवर्नमेंट हो गया, नेशनल गवर्नमेंट के बाद में क्या हो गया आपने देख लिया, रीजनल गवर्नमेंट्स हो गई, ठीक। तो ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स होगी ना, रीजनल गवर्नमेंट्स मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या है, अगर आप देखोगे तो जैसे स्टेट्स की बात करें, अब हमने बात करी थी अभी चैप्टर वन में पढ़ के आए थे, बेल्जियम जो है तो हरियाणा से कंपेयर करें तो बेल्जियम है, ठीक है, मतलब बेल्जियम श्रीलंका सभी हमारे स्टेट्स के बराबर है। इनफैक्ट एक चीज बताऊं मैं आपको, पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे ना, तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, दूसरा कौन सा है, एक बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, दूसरा कौन सा है, इंडिया है, और तीसरा कौन सा है, यूएसए है। अब अगर आप क्या करोगे, इंडिया के दो स्टेट्स निकाल लोगे सिर्फ, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को जोड़ दोगे, ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश को मतलब महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को जोड़ दोगे तो हम यूएसए को पीछे छोड़ देंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इतने बड़े देश जो है पॉपुलेशन के मतलब इतने बड़े बड़े स्टेट्स जो है पॉपुलेशन के टर्म्स में, एरिया भी काफी बड़ा बड़ा, यूरोपियन कंट्रीज, काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज हमारे स्टेट्स से छोटी है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है कि पावर का जो डिवीजन है, या फिर कह सकते हैं जो हम डिवीजन ऑफ मतलब जो हम पावर शेयरिंग पढ़ के आ रहे हैं, तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो दो लेवल सफिशिएंट नहीं है और पावर को शेयर करना चाहिए ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट डेमोक्रेसी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो और पावर कहां शेयर करोगे भाई, ठीक है, तो और पावर शेयर कहां करेंगे हम, लोकल लेवल पे, ठीक है। और लोकल लेवल पे जो पावर शेयर करते हैं उसे क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन भी कहेंगे। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब आप पावर ले रहे हो और उन्हें किसे दे रहे हो, लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हो, इस चीज को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आया समझ में? देखो बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है तो है क्या चीज, मतलब क्या बवाल है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले रहे हैं और पावर को और नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी सिंपल। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आया। तो अब देखो आगे क्या कहानी है, आगे कहानी ये है कि इंडिया में क्या हुआ डिसेंट्रलाइजेशन का। तो और एक सवाल ये भी बनता है उसके पहले कि डिसेंट्रलाइजेशन करना क्यों है, मतलब सर पावर बांटे जा रहे हो खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब सेंटर से स्टेट को दे दी, स्टेट से अब लोकल को दे रहे हो, पावर खत्म हो जाएगी? नहीं, ठीक है, पावर ऐसे खत्म नहीं होती है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ना, तो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों पावर शेयर करना है, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। वाई इट इज रिक्वायर्ड टू शेयर पावर एट लोकल लेवल, क्योंकि लोकल लेवल पे आप पावर दोगे, जब पावर को डिसेंट्रलाइज करोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोकल लेवल पे बहुत बेहतरीन तरीके से सेटल आउट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के आप जैसे ग्राम पंचायत, डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज आई थी, जो आपको मैं अभी आगे और समझाऊंगा अच्छे से। तो जैसे क्या है, लोकल लेवल पे मान लो क्या है कि एक गाँव में अगर मान लो किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट है, गांव में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट क्या है कि रोड बनना चाहिए या पुल बनना चाहिए, ठीक है, मतलब रोड और पुल एक ही साथ बनेंगे, लेकिन एक पुल पुराना था उससे पहले सुधारा जाए, नया रोड खोला जाए। तो लोगों की जो जरूरतें होंगी, लोगों के जो जो कह सकते हैं ना कि लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो वही लोग समझते हैं।
तो ऐसे मुद्दों को क्या है लोकल लेवल पर बहुत बेहतरीन तरह से सुलझाया जा सकता है, इसीलिए पावर को लोकल लेवल पर देना जरूरी है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समस्याएं पता होगी कि शिक्षा की जरूरत है, ठीक है, साफ पीने योग्य पानी की जरूरत है उस समय पे, या फिर पार्क बनाने की जरूरत है, ठीक है, क्या उनकी समस्याएं हैं वो उनसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो उन्हें खुद तय करने दो कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है, उन्हें पावर दे दो। ये रैशनल है कि वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, या फिर वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज द राइट वे टू एम्पावर डेमोक्रेसी, टू एम्पावर द पीपल, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। दे ऑल्सो हैव बेटर ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. ठीक है, लोगों को बेहतर पता होगा वही वाली बात है कि क्या समस्याएं हैं, कैसे समस्याओं को सुलझाया जाए, तो वो समस्याओं को सुलझाने के लिए जो फंड आ रहा है वो लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आपको आइडिया समझना है। आप इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप कह रहे हो सर ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, वो हम आपकी आपके उस पॉइंट के साथ एग्री कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, फंड्स को इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है कि फंड पहुंचता ही नहीं है लोकल लेवल पे। लेकिन जो आइडिया था कि क्यों पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि लोकल लेवल पे क्या है, बहुत एफिशिएंटली फंड्स को मैनेज किया जा सकता है। एट लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोकल लेवल पे लोगों के लिए, आम जनता के लिए पॉसिबल होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। क्यों? क्योंकि वो सरपंच जो होगा, वो पंच जो होगा, उसे वोट देने वाला इंसान उसे पर्सनली जानता होगा। अब आप में से कितने लोग पर्सनली मोदी जी को जानते हैं बताओ, नहीं जानते हो ना। लेकिन लोकल लेवल पे जब पावर देते हो ना, तो लोकल लेवल पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, उसे आप पर्सनली जानते हो, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है। दिस हेल्प्स टू इनकल्केट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और इससे क्या होता है कि लोग अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, लोग क्या होता है उस जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें कहीं ना कहीं अपना डायरेक्ट एंगेजमेंट फील कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हाँ अपने ही बीच में से हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, तो ये सही करेगा गलत करेगा हम है देखने वाले समझने वाले, ठीक है। सो दिस इज द रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ये रैशनल है बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। देर आर सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर, आप देखो अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर डीपीएसपी को आप समझते हैं, डीपीएसपी क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो डीपीएसपी में बात की गई है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो है उसे स्ट्रेंथन किया जाए, लोकल लेवल पे लोगों को पावर दिया जाए। कब से दिया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था ना, उस समय से ही है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन या फिर कह सकते हैं कि जो लोकल लेवल पर पावर देने की बात की गई वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है शुरुआती दौर में, ठीक है। क्यों नहीं सक्सेसफुल रही है, तो कारण है उसके पीछे, तो पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो पंचायत वगैरह एस्टैब्लिश तो किया गया बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। तो स्टेट क्या है, स्टेट की छतरी इतनी बड़ी होती थी कि छोटे छोटे जो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत होती थी ये कभी ग्रो नहीं हो पाती थी। आगे समझ में, मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले भी बताया क्या कि डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितने बड़े हो, डिपेंड इस चीज पर करता है कि आपके बाजू में जो है उसकी छाया कितनी बड़ी है। मान लो जैसे अमिताभ बच्चन है, और कौन है अमिताभ बच्चन के साथ साथ में, अगर हम बात करें अभिषेक बच्चन है, तो अभिषेक बच्चन इज नॉट अ बैड एक्टर, ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन की छवि इतनी बड़ी है कि उनके सामने, उनसे ही कंपेयर करेंगे ना अभिषेक बच्चन को, उनके सामने अभिषेक बच्चन हमेशा क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि स्टेट्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने कभी क्या, स्टेट्स ने अपनी छवि ऐसी बना के रखी थी कि सही मायने में पावर कभी डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं पाई 1992 से पहले। 1992 के बाद चीजें बदल गई है, क्या बदली अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का आइडिया क्या था वो समझ में आया, लोकल लेवल पे चीजों को बहुत बेहतरीन तरह से सुलझाया जा सकता है, फंड्स को बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, लोग जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आप अच्छा इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ में क्या है कि प्रयास किए गए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से डिसेंट्रलाइजेशन की बात करके रखी है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, वो चीज हम पढ़ रहे हैं। क्यों सक्सेसफुल नहीं रहे, तो पहला पॉइंट तो यह कि स्टेट गवर्नमेंट ने होने नहीं दिया सक्सेसफुल। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब क्या है, इलेक्शंस जो होते थे ना वो भी रेगुलर वे पे नहीं होते थे, आज हो गए फिर देखेंगे 10 साल बाद, बाकी कायदे से क्या है रेगुलर इलेक्शन होगा तभी तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाओगे। तो इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन,
लोकल गवर्नमेंट जो होती तो उनके खुद के कुछ पावर नहीं होते थे, ठीक है। जो हमने देखा था ना कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को स्पेसिफाई कर दिया, लोकल गवर्नमेंट के जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से स्पेसिफाई नहीं करा, तो यह क्या था, समस्या का कारण बना, ठीक है। बिना दांत का शेर कैसा होता, तो वैसे ही बिना पैसे के बिना पैसे के अगर आप जैसे देखोगे लोकल गवर्नमेंट बना दी तो क्या है, फिर वो बस बैठ के तालियां बजाएंगे, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, दस देयर वर वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स, तो इफेक्टिव टर्म्स में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना है कि दी इनिशियल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट वॉज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल, एंड दीज वर द रीजंस व्हाई द इनिशियल अटेम्प्ट्स वर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। आई समझ में, तो शुरुआती प्रयास जो रहे वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। और फिर आता है 1992, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दो कि मतलब ये जो साल रहा है ये वाटरशेड इवेंट रहा है किस चीज के लिए, फेडरलिज्म इन इंडिया में, और खास करके हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन करने में 1992 एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेंचमार्क ईयर रहा है। क्यों, देखो समझो, तो द मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992 में दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए, संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। अब 70 इससे ऐसा क्या हो गया कि सर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, व्हाई वी आर सो मच एम्फसाइजिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, ऑफ 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ। तो अब चीज ध्यान रखना कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या स्थिति थी 1992 के पहले, 1992 के बाद में कंट्री में फेडरलिज्म जो है, टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, तो मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट हमारा 1992 में स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। क्या हुआ था यहां पे, अब देखो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बाबू, ठीक है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है थ्योरी पार्ट पे कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन इन अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992, ठीक है। तो क्या स्टेप्स लिए गए थे, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शंस आपको रेगुलरली करवाना होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी करवा दिया गया। क्या पढ़ा हमने कि पहले भी प्रयास किए गए लेकिन इलेक्शंस होते ही नहीं थे रेगुलर वे पे, तो इलेक्शंस जब रेगुलर वे पे होते नहीं थे तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती थी, लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं होता था, मतलब ऐसा होता था कुंभ के मेले की तरह कि हाँ 12 साल में एक बार समझेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सबसे पहली चीज तो की गई कि अब इलेक्शंस रेगुलरली होंगे, हर 5 साल के पीरियड में होंगे, ठीक है, यह तय कर दिया गया। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टोरल बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी गई, किसके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो अब जैसे अगर आप देखोगे ना तो रिजर्वेशन दे दिया कहां पे, लोकल लेवल पे आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है इनके लिए रिजर्वेशन कहां है, इनके लिए रिजर्वेशन जैसे अगर हम देखें तो जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, वहां तो है ही रिजर्वेशन, उसी के साथ साथ लोकल लेवल पे भी रिजर्वेशन दे दिया। अब एक और रिजर्वेशन लोकल लेवल पे दिया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्या कि विमेन जो है ना, विमेन के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई 1992 में। ये बोल दिया गया कि 1/3 सीट जो होगी, 1/3 पोजीशन जो भी होगी, लोकल गवर्नमेंट जो होंगी ना, तो लोकल गवर्नमेंट जो बनाई जाएंगी तो उसमें लोकल रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर रूरल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जो होंगी तो उसमें जितनी भी पोजीशंस होंगी तो उन पोजीशंस में से 1/3 पोजीशंस जो होना चाहिए वेमेन के लिए रिजर्व्ड है, मतलब इतनी सीट्स पे जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो वेमेन ही होना चाहिए। तो इससे फायदा क्या मिला पता है कि वेमेन का जो कह सकते हैं पोजीशन थी ना वो स्ट्रांग हुई, वेमेन की जो पोजीशन थी वो स्ट्रांग हुई, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वेमेन। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। देखो अब स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये स्टेट के इलेक्शन करवाएगा, नहीं, स्टेट के इलेक्शन तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो करवा रहा है, स्टेट के भी और नेशनल लेवल के भी, मतलब लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन तो हमारा कौन करवा रहा है, या इलेक्शन कमीशन करवा ही रहा है, ठीक है। यहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया तो उस स्टेट के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है, उनके इलेक्शंस की जिम्मेदारी की रेगुलर टाइम पीरियड पे हो, रेगुलर इंटरवल पे हो, सीट्स जो रिजर्व्ड है उस प्रॉपर रिजर्वेशन मिले, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज को वुमेन को रिजर्वेशन मिले, इन सारी चीजों को, मतलब कोई गलत प्रैक्टिसेस ना हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर क्या, एक और जो चेंज आया, एक और जो बड़ा बदलाव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, तो ये मोटा मोटी आपको मैं थीम बता रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक और जो बदलाव आया वो क्या आया, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यूज विद लोकल
गवर्नमेंट। और पहले हमने क्या देखा था कि पहले डिसेंट्रलाइजेशन जो हो रहा था तो बिना पैसे के डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब बोल दिया हाँ हाँ पावर देंगे, पैसा नहीं दे रहे थे। तो अब क्या है कि दोनों चीजें जरूरी है ना, कि पावर देने से क्या होगा, उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो फंड्स चाहिए रहेंगे वो भी दो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे अगर जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या कर दिया गया, उन्होंने बोला कि अब पावर्स और रेवेन्यू जो है दोनों चीजें मैंडेटरी हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगे। अब किस अमाउंट में करेंगे तो ये छोड़ दिया गया किसके ऊपर, ये छोड़ दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो कितना पावर शेयर हुआ है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, लेकिन पावर और रेवेन्यू शेयर किया जाएगा ये मैंडेटरी करवा दिया 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसके बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे समझोगे कहानी को, तो इस तरह से क्या है इफेक्टिव टर्म्स में आप जब देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कब, 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। कहानी कितनी कहां तक आगे पहुंच गई हमारी, अब पहले वो समझ लो। देखो कहानी हमारी यहां तक आगे पहुंच गई, हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन है क्या समझ में आया, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल लेवल लोकल प्रॉब्लम सब कुछ, ठीक है। फिर क्या है, क्या प्रयास किया गया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, हाँ लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए क्या 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। अब 1992 में जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया तो वो क्या रहा, वो एक तरह से कंक्रीट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में आया गया। अब क्या स्ट्रक्चर बनाया गया तो वो समझो, क्या स्ट्रक्चर बनाया गया तो ब्रॉडली पूरी कंट्री में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी, कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट आया, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो आया, तो उसमें क्या है, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट आया, दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट आया। रूरल लोकल गवर्नमेंट को कॉमनली, या मतलब हम कहेंगे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज पंचायती राज, उसे पंचायती राज भी कहा जाता है, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है उसे म्युनिसिपैलिटीज के नाम से भी जाना जाता है, म्युनिसिपैलिटीज के नाम से भी जाना जाता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। समझ में आया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट रूरल लोकल गवर्नमेंट दोनों को, मतलब ये दो तरह की चीजें हैं। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट शहरों के लिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट गांव के लिए है। अब देखो रूरल लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें हम, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको आप दो ब्रांचेस में समझो, एक गांव में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, एक शहरों के लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो गांव की अगर हम बात करें, रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या है, जैसे ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का हम क्या कहेंगे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और ऊपर जिला परिषद है, ठीक है, ऊपर जिला परिषद है। तो आप तीनों चीजों को समझते चलो। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको एक बार बड़ी सी थीम समझा देता हूं, तो वो जो बड़ी सी थीम समझाऊंगा ना, तो उस बड़ी सी थीम में आपको क्या हो जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो क्या है, ठीक, कि ये क्या है, ये चलो ये क्या है, एक गांव है, गांव कहां गया हमारा, अब आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक गांव है, ठीक है। अब इस गांव में क्या है, इस गांव में आपने क्या बना दिया, ग्राम पंचायत बना दिया, ठीक है, ग्राम पंचायत बना दिया कि हाँ इस गांव के, इस गांव को आपने क्या कर दिया, यहां पे एकदम बोलते हैं ना जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कि ग्राम पंचायत के अंदर क्या रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे वो वोटर्स रहेंगे, वो ग्राम सभा के लोग कहलाएंगे, और वो ग्राम सभा के लोग क्या करेंगे, अपने वार्ड से अपने अपने पंच को चुनेंगे, और पंच जो रहेंगे उन पंच में से एक सरपंच चुना जाएगा, और सरपंच जो होगा तो ग्राम पंचायत का क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एकदम डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मैं और हम गांव में रहते हैं, हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने मिलकर हमारे पड़ोसी को जो पंच के चुनाव के लिए खड़े हुए, तो उन्हें वोट दे दिया और उनमें से सरपंच बन गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया, ग्राम पंचायत हो गई। अब क्या होता है, ऐसा एक गांव थोड़ी है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, कभी कभी दो गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है, तो ऐसे ग्राम पंचायत बन गई, ठीक है, ये ग्राम पंचायत बन गई, ये ग्राम पंचायत बन गई, समझ लो स्ट्रक्चर, ये ग्राम पंचायत बन गई। अब क्या होता है, जब ऐसी मल्टीपल ग्राम पंचायत को आप मिला देते हो, तो मल्टीपल ग्राम पंचायत को ब्लॉक लेवल पे, तहसील के लेवल पे आप मिला देते हो, तो क्या बनता है, ठीक है, पंचायत समिति बनती है, या फिर उसे ब्लॉक कह लो, या फिर उसे मंडल कह लो, मंडल परिषद कह लो, अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहला टीयर हो गया, सबसे मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट में भी अलग अलग क्या है, लेवल्स है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो गांव से लगा के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पूरा क्या रहता है, बुना हुआ एक स्ट्रक्चर रहता है। तो पहले ग्राम पंचायत हो गई गांव के लेवल पे, ठीक है, फिर क्या होता है, ऐसी सारी ग्राम पंचायत जो है, सारी ग्राम पंचायतों को मिला के क्या बना दिया जाता है, जब आप क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल पे सारी ग्राम पंचायतों को मिला देते हैं, तो आप क्या बनाते हैं, समिति बनाते हैं, पंचायत समिति कह लो, ठीक है, इसे ब्लॉक भी कह लेते हैं, ब्लॉक भी कह लेते हैं, इसे क्या कह लेते हैं, मंडल भी कह लेते हैं, तो अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है, मंडल भी कह लेते हैं। अब क्या होगा, अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है, मतलब एक ग्राम पंचायत का
ग्राम पंचायत से, मतलब सारी ग्राम पंचायतों को आपने मिला के क्या बना दिया था, सारी ग्राम पंचायतों को मिला के आपने एक पंचायत समिति बना दी थी। तो ऐसी एक पंचायत समिति, दो पंचायत समिति, ठीक है, एक और ऐसी पंचायत समिति होगी जिसमें कुछ ग्राम पंचायतें जो होंगी, तो सारी ग्राम पंचायतों को मिला के एक पंचायत समिति बना देंगे, या फिर मंडल परिषद बना देंगे, ब्लॉक बना देंगे, जो भी कहना है आपको, अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट्स में जानी जाती है, ठीक है। तो अब ये सबको अगर आप मिला दोगे, मतलब ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप मिला दोगे, बोर्ड ही छोटा पड़ गया हमारा, ठीक है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप मिला दोगे तो क्या है, ठीक है, व्हेन ऑल दी समिति, ब्लॉक और मंडल परिषद आर क्लब्ड टुगेदर इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा, बड़ा अंडा जो दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है, तो तब क्या बनेगा, तब बनेगा जिला परिषद, ठीक है, तो तब क्या बनेगा, जिला परिषद बनेगा, ठीक है, तब जिला परिषद बनेगा। तो इस तरह से रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है, बड़ा सा डायग्राम दिख रहा है इतना बड़ा, ठीक है, बोर्ड से भी बड़ा, तो ये जो बड़ा सा डायग्राम दिख रहा है, ये सिंपल, बहुत सिंपलीफाइड एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, हर गांव को आप जैसे देखोगे तो ग्राम पंचायत होंगे, वो सारे ग्राम पंचायत को अगर आप मिला दोगे कहां पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे मिला दोगे, तो एक पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल परिषद बनेगा जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और उस जिले के अंदर जितने भी मंडल परिषद होंगे उन सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका जिला परिषद बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर समझ में आया। अब वही चीज यहां पे थ्योरी में दी गई है। तो ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। अब ये ग्राम पंचायत जो है तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, तो उस ग्राम पंचायत के अंदर भी क्या अलग अलग पंच को चुना जाता है, ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट, और जो उन पंचों के बीच में से एक प्रेसिडेंट रहता है उसे सरपंच कहा जाता है, ठीक है, सरपंच हो गए, सरपंच साहब ऐसे बोलते हैं ना, सरपंच साहब नमस्ते, उनकी बहुत रिस्पेक्ट रहती है उस रूरल एरिया में, तो वो सारी चीजें। फिर क्या हो गया, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। अब क्या हो रहा है कि ये जो पंच बने हैं, सरपंच बने हैं ना, इन्हें कौन इलेक्ट कर रहा है, तो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट्स लिविंग इन दैट इन दैट विलेज, इन दैट ग्राम पंचायत, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत बन रही है इसके अंदर जितने भी अडल्ट है, अडल्ट मतलब क्या है, 18 साल से ऊपर वाले, वोटिंग राइट है जिनके पास, तो वो वोट देके अपने पंच सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज, और ये जो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत क्या करती है, पूरे गांव के लिए डिसीजन लेती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, और पंचायत जो काम कर रही है तो पंचायत ग्राम सभा के अंडर में काम कर रही है। अब देखो, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, इसमें कंफ्यूजन रहता है ना, मुस्कुराओ, ठीक है, तो इसमें क्लैरिटी देता हूं मैं आपको। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा मतलब क्या है कि जितने भी अडल्ट है, देखो ग्राम पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कह लो हम इसे, ठीक है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी बॉडी जो है वो ग्राम पंचायत है, ठीक है, वो ग्राम पंचायत है। अब इस ग्राम पंचायत को चुनने वाले लोग कौन होंगे, अडल्ट मेंबर्स, तो वो सारे जो अडल्ट मेंबर्स हैं, ठीक है, जो वोटर्स हैं, तो वोटर्स की जो बॉडी है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। तो ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल अडल्ट वोटर्स इन अ ग्राम पंचायत। तो एक ग्राम पंचायत के अंदर, मतलब एक ग्राम पंचायत का जितना ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर जितने भी अडल्ट वोटर्स हैं, तो उन अडल्ट वोटर्स का जो ग्रुप रहेगा ना, उस वो जो बॉडी रहेगी उसे ग्राम सभा कहते हैं। अब ग्राम सभा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्राम सभा क्या है, वो गांव के सारे एडल्ट वोटर्स जब आते हैं मीटिंग में, ठीक है, तो वो बोलते हैं हम ग्राम सभा की मीटिंग हुई है। ग्राम पंचायत की मीटिंग तो ये करते रहेंगे पंच सरपंच मिलके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, लेकिन जब सारे वोटर्स एक साथ आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है कि जो लोग वोट दे रहे हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ग्राम सभा की जब मीटिंग बुलाई जाती है तो इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर, तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है ट्वाइस या थ्राइस इन ईयर में, ठीक है, टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो एनुअल बजट होता है उसको अप्रूव करने के लिए, एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सही तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही, मतलब ग्राम पंचायत को चुना किसने है, गांव के सभी अडल्ट वोटर्स ने, सभी अडल्ट वोटर्स जब इकट्ठे होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, ग्राम सभा कहेंगे, और ग्राम सभा जो है तो ट्वाइस या थ्राइस इन ईयर उनकी मीटिंग होती है, और वह देखती है कि हमने जिन्हें चुना है ग्राम पंचायत के लीडर्स को, पंच को, सरपंच को, ये सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काम अगर कर रहे हैं तो इनके पास कितनी पावर है, मतलब फंड्स जो उनका इस्तेमाल सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एनुअल बजट वगैरह जो होता है उसका अप्रूवल कौन देता है, ग्राम सभा देती है। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए रूरल लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सिंपल है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। अब ऊपर उठोगे ना तो अब क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यही ग्राम पंचायत सारी मिला दी जाएंगी, अगर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे सारी ग्राम पंचायत को मिला दोगे आप तो क्या बनता है, पंचायत समिति बनती है, और सारी पंचायत समिति को जिले के अंदर अगर मिला दोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो जिला परिषद बनती है। ये स्ट्रक्चर है सिंपल सा, जो भी हमने आपको बड़े से डायग्राम में बताया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, ग्राम पंचायत को जब सारी ग्राम पंचायत को मिला दोगे, पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल, जो कहना कह लो, और वैसे ही क्या रहेगा, जिला परिषद बन जाएगा जब आप सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल
को मिला देते हो तो ठीक है। तो पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो व्हेन अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, ठीक है आपने मिला दिया तो पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल बन गया फाइन। तो द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। अब क्या हो रहा है तो जितने भी पंचायत मेंबर है ग्राम पंचायत के, जो हमने क्या करा, हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया, मतलब हम गांव में रह रहे हैं, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया मतलब पंच सरपंच को। अब वो पंच और सरपंच फिर अपना काम करते रहेंगे, पंच सरपंच किसको चूज कर लेंगे तो जो पंचायत समिति के मेंबर्स होंगे उन्हें कौन चूज कर लेगा, तो पंचायत के जो मेंबर्स हैं, जो पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या करेंगे, समिति ब्लॉक और मंडल के मेंबर्स को चूज करेंगे। उसी तरह से अब क्या होगा कि ये जो पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके जो मेंबर्स रहेंगे वो जिला परिषद वगैरह के मेंबर्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो जिला परिषद कहां होने वाली है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने वाली है, ठीक है। तो ऑल दी पंचायत समितीज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट दी जिला और डिस्ट्रिक्ट परिषद, जिला है ना डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो जिला के अंदर जितनी भी पंचायत समिति है वो सारी पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाती है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। अब देखो यहां पे जो इलेक्टेड वर्ड आ रहा है इससे कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्टेड का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे कि मान लो कि उस जिले से कोई एमएलए है तो वो एमएलए क्या है, एमएलए तो वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के जो एमएलए होते हैं ना उनका पार्ट हो गया वो, लेकिन क्या है वो है तो उस जिले का ना, तो उस जिले का होने के कारण क्या है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस जिले के जिला परिषद वाली मीटिंग जो होती है ना उसमें भी बैठेगा वो। तो अब मान लो क्या है कि पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है किसी इंसान के द्वारा, तो वो किसी ना किसी जिले में तो रहता होगा, तो वो क्या है उस जिले का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वो क्या है जिला परिषद में भी बैठ रहा है, जिला परिषद की मीटिंग में भी बैठ रहा है, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएस, ये लिखा है लोकसभा एंड एमएलएस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारा ये तो क्या है आप बहुत बड़ा इंसान बन गए, चलो कांग्रेचुलेशन, मिठाई पहुंचा देना, लेकिन आपका जो जिला है, आपका जो गांव जो रहेगा, आप क्या है उस जिले के उस गांव के कामकाज में तो जाओगे ना। तो उसी तरह से क्या है कि एमपीज और एमएलएज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हैं, लेकिन क्या है वो उस डिस्ट्रिक्ट के भी तो पार्ट है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है अधिकतर कि जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा और एमएलएज होते हैं ना, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के कह सकते हैं कामकाज में, उस डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल लेवल पे डिसीजन लिए जाना है तो उन मीटिंग्स में, जिला परिषद की मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम ऑफ द ऑफिशियल्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। तो जिला परिषद के मेंबर में ये सारे लोग भी आते हैं, फाइन। फिर क्या हो गया, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। तो जिला परिषद का हेड कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन, सिंपल है, जिला परिषद का हेड जिला परिषद चेयरपर्सन। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनेंगे, ग्राम पंचायत का हेड कौन है, सरपंच, तो प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत इज सरपंच, ये चीजें ध्यान रखना। अब ये तो हमने आपको क्या बताया, जैसे यहां समझाया मैंने कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझो, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है। तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं ना उनके लिए क्या किया जाता है, शहरी क्षेत्र के लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आया। अब देखो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, शहर के लिए है। अब शहर में ऐसा नहीं है कि तीन, जो हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट में देखा कि ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पूरा उठ के गया है, तो यहां पे शहर में ऐसा कोई लेवल नहीं उठा है। लेकिन शहर में भी जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होते हैं उसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, ठीक है, नगर परिषद होता है, अलग अलग होते हैं ना ये अलग अलग क्यों है, तो ये पॉपुलेशन के बेसिस से, ठीक है। तो शहर के साइज के हिसाब से क्या कर दिया जाता है, अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है, टेक्निकल होता है, नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें ना घुसते हुए बस हम इतना समझें कि शहर के लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट, गांव के लिए रूरल लोकल गवर्नमेंट, और इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 1992 के बाद एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर अर्बन एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, तो जो टाउन्स रहते हैं, टाउन्स मतलब ट्रांजिशन एरिया, ना गांव में है ना शहर में पूरी तरह से, तो जो टाउन्स रहते हैं, तो टाउन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी सिटीज रहती है, जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, तो बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज जो होती है उनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। तो बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जैसे पार्षद जो होते हैं,
ठीक है, पार्षद वगैरह आपने देखो ना, आपकी कॉलोनी, आप शहर में रह रहे हो अगर आप, तो आपकी कॉलोनी से पार्षद है कोई, तो आप पार्षद के पास जाते हैं, यार वो हमारे वहां नाली चौक हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो जो अर्बन एरियाज में आपके रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, तो म्युनिसिपैलिटीज में भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में भी क्या है, वार्ड्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, वहां आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हो, ठीक है। तो म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी, तो म्युनिसिपैलिटी क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से छोटी है, टाउन्स में जो रहती है, तो म्युनिसिपैलिटीज का हेड कौन होता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन, पॉलिटिकल हेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर, ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव वर्ड मतलब क्वेश्चंस में आएंगे, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर होता है, ठीक है। पॉलिटिकल हेड कौन है, मेयर हो गया, ठीक है, मतलब लोग चुनते हैं। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से पूरी कहानी थी जो हमने आपको समझानी थी, इसी के साथ अभी खत्म नहीं हुआ, रुको, ठीक है। तो इतना समझ में आया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। एक और चीज जो है, तो देखो आपने ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया ना, तो आउटकम हम एसेस करते हैं ना हर चीज का, कि हमने ये काम किया, हमने पढ़ाई करी तो कितना ध्यान रहा, तो वैसे ही यहाँ पे तो बहुत बड़ा काम कर दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना डाली। तो इसके अचीवमेंट्स क्या रहे, तो यस देर आर अचीवमेंट्स, देर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, देखो बहुत बड़ा नंबर है, एक्सेट्रा ऑल ओवर दी कंट्री। तो जो ये जो स्ट्रक्चर बना है पूरा, तो वहां पे 36 लाख से ज्यादा क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इतने रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं, पूरा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आर कंट्री, डेमोक्रेसी जो है उसकी रूट्स और गहराइयों में गई है, मतलब डेमोक्रेसी जो है तो लोग फील करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां तो लोकल, जैसे ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत पे आप अपने सरपंच को, जिसको चुनाव में वोट दे रहे हैं, उसके साथ बैठ के आप क्या कर रहे हैं, पत्ते भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको बहुत क्लोजली जानते हैं, ठीक है, तो आप अकाउंटेबल होल्ड करेंगे उसे, मतलब ऐसा नहीं कि पत्ते खेल रहे हैं तो बस वो जैसा करना चाहे वैसा कर लेंगे, हम उसे अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। डेमोक्रेसी जो है तो क्या हो रही है, डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो कहा जाता है ना, कि एकदम रूट्स तक डेमोक्रेसी पहुंची है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मदद से। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी। अब क्या है, जब वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दे दिया, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे नहीं है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में नहीं है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे है ना, तो इससे महिला सशक्तिकरण, वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके जो इश्यूज है, उनकी जो आवाज है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आई है, डेमोक्रेसी में आई है, ठीक। अब देखो ये तो अचीवमेंट्स हो गए, लेकिन चैलेंजेस भी है, ऐसा नहीं कि बस अब गंगा नहा लिए, अब यहाँ पे चैलेंजेस भी है। व्हाई इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो ग्राम सभा जिसको ट्वाइस या थ्राइस मीटिंग करना चाहिए, अपने अपने ग्राम पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स करना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता। इलेक्शन तो आप करवा देते हो, लेकिन ग्राम सभा की जो मीटिंग होना चाहिए, जो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो उतना नहीं देखने को मिलता है कुछ स्टेट्स में। कहीं कहीं पे अच्छे तरीके से काम भी कर रही है, जैसे केरला वगैरह की बात करें तो वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, ठीक है। फिर क्या है, एग्जांपल एक आपकी बुक में बॉक्स में पोर्टो अल्जीरियो का भी दिया है, ब्राजील का भी, फाइन। फिर क्या है, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि अब जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पावर जो है ये सब क्या करेंगे, स्टेट जो है लोकल गवर्नमेंट को देंगे। तो कुछ स्टेट्स ने आज भी अपने गार्ड्स को ऑन करके रखा है, मतलब दे हैव नॉट ट्रांसफर्ड द पावर टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर क्या है, नॉर दे हैव गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी नहीं दिए, फाइन। उसी के साथ साथ व्हाट आर दस स्टिल, वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम अभी भी क्या है, मतलब बोलते ना अभी दिल्ली दूर है, तो अभी भी क्या है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आइडियल्स है कि एकदम ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो, हम वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक है, अभी भी क्या है उसमें कमियां रह गई है। तो फाइनली इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है, डिसेंट्रलाइजेशन से लगा के फेडरलिज्म तक, कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे आई, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म है क्या, सारे टॉपिक्स को क्या है अब दिमाग में दौड़ाते रहना इधर से उधर, और चीजों को रीड करना, पढ़ना ज्यादा, ठीक है। आपने पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, ताली बजा दी, वीडियो खत्म हो गया, बढ़िया है, लेकिन उसके अलावा क्या, आप जितना रिवाइज करोगे, जितना रीड करोगे, उतना आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन वीडियोस को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर ढूंढने में दिक्कत जाती है तो कहां चले जाओ, वेबसाइट पर चले जाओ, magnetbrains.com सर्च करना है, वेरी सिंपल, ठीक है। magnetbrains.com सर्च करते से आपके सामने क्या आएगा, एक वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पर क्लिक करते ही, ठीक है, उस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आप जिस भी क्लास पर अपनी क्लास को सेलेक्ट कीजिए, टॉपिक, सब टॉपिक, चैप्टर, सब्जेक्ट, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आ गए, सेलेक्ट करो, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक है, इन्हें आराम से घर बैठे आप क्या कर सकते हो, इन्हें आराम से घर बैठे आप देख सकते हो, ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब क्या करना है, अपने जूनियर सीनियर्स को बताना और अपने क्लासमेट्स को भी बताना, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।
आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.